कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। पूज्य भाई श्री जी का पदार्पण इस सुंदर वातावरण में हो रहा है। हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर जय जय घोष करते हुए करतल ध्वनि से मन की भावनाओं से पूज्य भाई श्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के करतल ध्वनि से पूज्य भाई श्री जी का स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्ण, जय जय श्री राम। कृष्ण हरे हरे हरे। वो क्षण, वो ऐतिहासिक क्षण जब हरे कृष्ण हरे रघुनंदन कृष्ण कृष्ण हरे हरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन हम यहाँ से आज से 9 दिन तक निरंतर करेंगे। ऐसी पूज्य व्यास पीठ पर पूज्य भाई श्री जी का पदार्पण हुआ। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे मुरादाबाद की ओर से आपके श्री चरणों में वंदन निवेदित करता हूँ। कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकट सद्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु तु रविरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशत सम्भ्रमतेज्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। पञ्चासु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिम्य विचिन्त्य दत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयायदन्तः अण्डान्तरस्त परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजात्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन संतस्तदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान लोहिया परिवार से मेरा आग्रह पूजन के लिए कृपया आगे आए। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानन्दः। आज के दैनिक यजमान श्री राकेश अग्रवाल जी
कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार महामंत्री जी, आप सभी की उपस्थिति यहाँ है, आप सभी के प्रति कृतज्ञता। हरि ओं मईदम विष्णुर्वीचक्रमेत्रेदानिदे पदम समूलमसि अपाग्मसुरे स्वाहा विष्णोरराटमसि विष्णो स्तत्रेस्थो विष्णो स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओं भूर्भुवस्वः भगवते रामभद्राय नमः। सकलोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सेवन्तिका बकुलचम्बकपाट्वलाब्जे उन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतेभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते रामभद्राय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। हरि ओं मा सहस्रशीर्रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगो सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदगो सर्वञ्जद्भूतं च भाव्यम् उतामृतत्वशेषा नो जदन्नेनातिरोहति। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ह्रीमिति मन्त्रेण नैवेद्यं जलेन सम्प्रोक्ष्य तुलसीदलेन संयोज्य देन वा अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयं समर्पयामि। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्न। पुनः ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। पूर्वोत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। वदनाम्बुजयाचमनीयं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। हरिमिति मन्त्रेण दीपं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य आरार्तिक्यं मा। हरिः ॐ मा इदगो हविः प्रजननं मे सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यां देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मश्रेयार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भगवते रामभद्राय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवते रामभद्राय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीरामचन्द्र भगवान् की जय।
भावित धियो मनुजास्तदैव संप्राप्य रूप महिमासनयान भूषा। जय श्री राम। पूज्य भाई श्री जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आपके श्री चरणों में वंदन। आप सभी विद्वजनों का, महानगर वासियों का, मातृशक्ति का, विशेषकर आप सभी का इस पावन पुनीत आयोजन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज से हम 9 दिन तक पूज्य भाई श्री जी के मुखारविंद से उस अमृत वाणी का रसास्वादन करेंगे जिससे ये जीवन सफल होता है। हम सभी बड़े सौभाग्यवान हैं कि इस ऐसे पावन आयोजन में हम अपनी उपस्थिति दे पा रहे हैं। सौभाग्य का जब भी विषय हो तो हमें अपना 100% वहां देने का प्रयास करना चाहिए। मैं यहां उपस्थित सभी से आग्रह करूंगा कि जितना देर ये कार्यक्रम चल रहा है हम लोग वहां 100% उपस्थित रहें और अपने मोबाइल को ऑफ रखेंगे या उसको वाइब्रेटर पे लगा के रखेंगे। ये जीवन में बहुत विलक्षण पल हैं कि जब पूज्य भाई श्री जी का हमें साक्षात दर्शन भी हो रहा है और उनका आशीर्वचन भी हमें इस गादी से मिल रहा है। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा लोहिया परिवार के ही श्री विनीत लोहिया जी से कि वो आए और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अभिभूत करें। श्री विनीत लोहिया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भाई श्री पूज्य संत भाई श्री रमेश भाई ओझा जी का मुरादाबाद की जनता, मुरादाबाद के नगरवासियों की तरफ से, अपने लोहिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाराज श्री ने, भाई श्री जी ने हमारे मुरादाबाद वासियों की इस प्रार्थना को सुनकर के मुरादाबाद नगर के वासी आपके श्रीमुख से राम कथा का श्रवण करने के लिए बहुत आतुर हैं, तो ये महाराज भाई श्री जी की कृपा थी कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे मुरादाबाद के सभी नगरवासियों के इस अनुरोध के ऊपर उन्होंने मुरादाबाद में राम कथा करने का अनुरोध स्वीकार किया। हम सब लोग इसके लिए भाई श्री के बहुत बहुत आभारी हैं। अब मेरी सभी मुरादाबाद नगरवासियों से ये प्रार्थना है कि वो समय पर पहुंचकर और ये दिखाएं कि हम लोग कितने आतुर हैं महाराज जी की कथा सुनने के लिए। तो महाराज श्री भाई श्री के श्री मुख से अब हम सब लोग राम कथा का रसास्वादन सुनेंगे और अपना धर्म लाभ वो प्राप्त करेंगे ताकि हम सब लोग राम कथा को सुनकर भगवान श्री राम के आदर्श जो उन्होंने स्थापित किए थे उन आदर्शों को सुनकर पुनः सुनकर हम लोग भी उसका अनुसरण करेंगे ताकि हमारे जीवन में एक हमारे परिवार में सुखद अनुभूति हो और हम सब लोग अपने परिवार को एक राम में जीवन का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, यही मेरी कामना है। और महाराज जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनीत जी भाई साहब। अब वो क्षण जिसके लिए हम लालायत हैं, अंतःकरण से एक बहुत पावन ऊर्जा जागृत हो रही है और वो ऊर्जा और अधिक पावन हो जाए ऐसे पूज्य भाई श्री जी के मुखारबिंद से उस अमृत वर्षा का रसा स्वादन हम करें। बड़े लालायित हैं, बड़ा आनंद हो रहा है अंदर से। और जब हम अपने घर जाते हैं, अपनों के बीच में होते हैं और जहां उस परम सत्ता परमात्मा का नाम स्मरण का वातावरण बना हो वहां तो आनंद होता ही है। तो इस ऐसे सुंदर पावन कार्यक्रम में पुनश्च इस मंच से आप सभी विद्वज्जनों का, मातृशक्ति का, जो सन्यासी स्वामी जी हमारे बीच पधारे हैं, आप सभी का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस पूरे मुरादाबाद की ओर से पूज्य भाई श्री जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब हम उस क्षण उस सागर में गोते लगाते हैं जिसके लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं, पूज्य भाई श्री जी। Thank you.
कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिये पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव बोलो भाई सब संतन की जय लोकाभिराम रणरंग धी राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये बोलिए श्रीरामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की जय सदगुरु भगवान की जय ओ
Yeah.
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधां कृशान ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां
रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमः रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमः रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमः श्रीरामचन्द्र कृपालु भज Oh.
श्री राम श्री राम Amen.
उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। परम करुणामूर्ति जगदबीज भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैन्य दंडवत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और जिन सभी देवताओं का इस प्रसंग विशेष पर आवाहन स्थापन पूजन किया गया है, उन सभी देवताओं को सदैन्य वंदन। वंदनीय संत वृंद, वंदनीय विप्र वृंद,
आप सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोता भाई बहन जो इस कथा स्थान में उपस्थित हैं एवं विज्ञान के माध्यम से इस कथा प्रवाह के साथ जुड़े हुए देश विदेश के अनेकानेक सत्संग प्रेमी श्रोताजन, व्यासपीठ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबका भूरी भूरी स्वागत, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा श्री राम को प्रणाम, सभी को जय सियाराम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। श्री राम कथा अमृत महोत्सव उसके प्रधान मनोरथी हमारे परम भगवदीय श्री विनित कुमार गुप्ता लोहिया परिवार इस आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र जी अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार जी, अंकुर अग्रवाल जी और आयोजक संस्थाओं से जुड़े हुए न्यासीगण एवं सभी कार्यकर्ता, पूरा वातावरण राममय है। एक अद्भुत परम गौरवमयी और संतोषजनक घटना के हम सभी साक्षी बने, उसका हमने दर्शन किया गत 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि में नवनिर्मित दिव्य और भव्य देवालय में भगवान राम विधिपूर्वक प्रतिष्ठित हुए। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विदेशी आक्रांताओं ने अपनी असहिष्णुता के कारण, मजहबी अंधता के चलते हमारे ऐसे कई मंदिरों को ध्वस्त किया। हमारे धर्म क्षेत्र के लोगों ने, शासन करने वाले कई राजाओं ने इसके लिए संघर्ष किया और कई वर्षों के संघर्ष के पश्चात हजारों हजारों बलिदानियों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। कई कार सेवकों की सेवा, उनका समर्पण, लाखों करोड़ों राम भक्तों की भक्ति, उनका व्रत, उनकी तपस्या और आदरणीय आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा कई वर्ष पूर्व करी थी, वहां से लेकर हमारे वर्तमान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हम लोग राम जन्मभूमि में बिल्कुल प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, तदनुसार राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से देश और विदेश के करोड़ों करोड़ों
हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के समर्पण से, दान से दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला बालक राम उसमें विधिपूर्वक विराजित हुए। निश्चित ही वह धन्य क्षण था 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात। सनातनियों का भाव, भक्ति, उत्साह देखने लायक था और है अभी भी। वो नशा, अभी भी वो आनंद उतना ही ताजा है और यही कारण है कि यहां वैसे तो भागवत कथा की बात थी, लेकिन हमारे विनीत जी ने और सब लोगों ने मिलकर के कहा कि वातावरण राममय है, क्यों न राम कथा करें। तो मुरादाबाद में उसी का ये प्रभाव है कि हम इस नवदिवसीय राम कथा में भगवान श्री राम के चरित्र पर चर्चा करने, मानस का गायन करने, श्रवण करने, भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करने और अपने जीवन को राममय बनाने के लिए संकल्प लेकर के यहाँ पर इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। जहां तक मेरा स्मरण है, मुरादाबाद में यह तीसरी कथा है। इससे पूर्व दो कथाएं हुई है और क्योंकि ये वाली कथा बहुत वर्षों के पश्चात हो रही है, उसका आपको आनंद है, मुझे भी विशेष आनंद है क्योंकि एक विशेष प्रसंग है। कल एक और बढ़िया वाली खबर हम तक पहुंची। काशी में ज्ञानवापी में भी व्यास गद्दी की पूजा का अधिकार पुनः न्यायालय के द्वारा सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधा साधा, वहां तो कोई ढूंढने भी नहीं जाना है प्रमाण। उस समय में ध्वस्त किए गए मंदिर की दीवारों पर ही गुंबद खड़ा करके बनाई गई जो मस्जिद, मस्जिद का नाम भी ज्ञानवापी, ज्ञानवापी। तो एक न्यायालय की प्रक्रिया चालू है, चलेगी और निश्चित रूप से भारत राष्ट्र की बहुमत संख्या जिनकी है, उन सनातनियों को प्रजातांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार न्याय मिलेगा। एक बात मैं कह दूं और ये बात अटल जी ने भी अपने समय में कही थी कि ये देश सेक्युलर है तो सनातनी हिंदुओं के कारण सेक्युलर। इसलिए यह सनातन धर्म, इसलिए यह हिंदू विचारधारा जिसमें परमत सहिष्णुता है, सभी धर्मों का आदर है, उदारता है, यदि अच्छी चीज मिले, अच्छी बात मिले, अच्छे विचार मिले तो हम स्वीकार भी करते हैं। आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतः, हमारे वेद कहते हैं। ऐसी यह उदार और सहिष्णु विचारधारा, लेकिन सावधान, यह सहिष्णुता हमको कायर न बना दे और यह उदारता हमको बेवकूफी की ओर न ले जाए। ये भी उतना ही सावधानी पूर्वक सोचना होगा। तो देश सेक्युलर है, हालांकि हमारे संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द नहीं थे, वो बाद में उसके प्राक्कथन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में
ये ऐड किए गए प्राक्कथन में, नॉट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर शब्द का अंग्रेजी में इसका अर्थ यदि खोजा जाए तो बताया जाता है ऐहिक। सेक्युलर शब्द का अर्थ है ऐहिक, यानी इस दुनिया के राजा राजसत्ता ऐहिक काम करता है, ऐहिक कल्याण के लिए, प्रजा का भला हो इसलिए सरकारें काम करती हैं। और धर्म पारलौकिक कल्याण की भी बात करता है, इसलिए महर्षि कणाद यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः कहकर के फिर धर्म की जिस प्रकार व्याख्या करते हैं, जिससे यह लोक में हमारा अभ्युदय हो और परलोक में हमारा कल्याण हो, हमारा यह लोक सुख से भरपूर हो और हमारा परलोक कल्याणकारी हो, यह जिससे होता है वह धर्म है। तो इहलोक से संबंधित बात तो चार्वाक का भी दर्शन जो नास्तिक दर्शन है वो कहता था। तो किसी विशेष उपासना पद्धति से निरपेक्ष, अतः सेक्युलर शब्द का अर्थ हम लोगों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने जो सेक्युलर शब्द का अर्थ किया है वो पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था। धर्म के जो मूल्य है, धर्म की जो वैल्यूज है, वो तो रहना चाहिए। वो यदि नहीं है तो राजनीति दिशाहीन हो जाएगी, राजनीति में बहुत गंदगी फैलेगी। इसलिए पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी पंथों के प्रति शासक का समभाव हो और प्रजा में सर्वधर्म समभाव सद्भाव हो। प्रजा में सर्वधर्म समभाव नहीं हो सकता, ना सभी धर्म समभाव समान नहीं है। केला भी फल है, अमरूद भी फल है, चीकू भी फल है, अनार भी फल है, लेकिन सब अलग अलग भी, सब समान नहीं है। तो सर्वधर्म सद्भाव प्रजा में, एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहे, क्योंकि राम राज्य में सब नरक रही परस्पर प्रीति। प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव, और शासन में सर्वधर्म समभाव। हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी से हो सकता है लेकिन किसी पार्टी का ही नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का होता है, संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा का होता है। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में, हम अब इस बात को जरा ध्यान से सुने,
हम आरती करते हैं ठाकुर जी की मंदिरों में, पूजा यज्ञ इत्यादि के पश्चात कथा के अंत में, आरती के पश्चात हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं, और मंत्र पुष्पांजलि में जो बोला जाता है आप लोगों ने सुना होगा, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेश्यम राज्यम, ये सब क्या है? इस पृथ्वी पर मानवता के विकास के प्रारंभ से लेकर अभी तक जितने प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग हुआ है, राजाशाही है, लोकशाही है, डिक्टेटरशिप है, लोकशाही में भी प्रमुख पद्धति की लोकशाही जो अमेरिका में है, हमारे वाले लोकशाही क्योंकि हम ब्रिटेन के साथ साथ गए, क्योंकि ब्रिटेन वो वाली कॉलोनी रही, कई प्रकार की शासन व्यवस्था, अलग अलग विचारधारा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, उन सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का जो प्रयोग हुआ पूरे विश्व में, उनमें सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है? हम लोगों ने यह स्वीकार किया कि वो है राम राज्य। गांधी बापू ने भी देश आजाद हो जाए उसके बाद राम राज्य की कल्पना करी थी कि फिर देश में राम राज्य आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है कि कैसा है राम राज्य। अभी राजकोट में मैं कथा संपन्न करके आया हूं, था तो वहां भागवत ज्ञान यज्ञ, लेकिन फिर क्योंकि ये प्रसंग था, ये अवसर था, रामलला विराज रहे थे, तो हमने कथा को एक भागवत के ही रंग को थोड़ा बदल दिया, ढंग को बदल दिया, भागवत के राम, क्योंकि भागवत में राम कथा है, दो अध्याय में, नवम स्कंद में, तो उसके आधार पर व्यासकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर हम यहां पर सत्संग कर रहे हैं, कंबन, कृतिवास, अध्यात्म, न जाने कितने रामायण हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़, 1 अरब रामायण, और 1 अरब कह करके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात को समाप्त नहीं कर दिया, क्योंकि संख्या सीमित हो जाएगी 1 करोड़ में, तो लिखा शब्द अपारा, रामायण शतकोटि अपारा, उसमें भागवत में व्यासकृत रामायण है, 2 अध्याय। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रुजतपतरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छुर्बणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रु विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहनः कोसलेन्द्रोवतान्न। ये व्यासकृत रामायण का मंगलाचरण है। एक श्लोक में गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। तो व्यासकृत जो रामायण है उसके आधार पर हमने वहां 7-8 दिन सत्संग किया, भागवत कथा तो चली, लेकिन प्रधान विषय रखा व्यासकृत रामायण। तो पूरा वातावरण भारत में राममय है, और पूरे विश्व में मनाया गया ये उत्सव।
जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी है वहाँ तो उत्सव मनाया ही गया, लेकिन दुनिया के और लोगों ने भी, वो भी इस घटना से अवगत हुए कि भारत में कुछ बहुत बड़ी बात हुई है और उसके लिए निश्चित रूप से हम सनातन धर्मी होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का निश्चित रूप से अभिनंदन करें, करना ही चाहिए। और उनकी पार्टी के तो घोषणा पत्र में ये था आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि की बात, तो वो वादा निभाया है, इसलिए भी प्रजा में एक विश्वास, एक आदर, एक भरोसा और बढ़ा है। और केवल ये दोनों ही बात नहीं, देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश जिस तरह से मजबूती से अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है, देखो किसी भी मंदिर में वहां की मूर्ति में जितने लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और लोग पूजा करते चले जाते हैं, लोगों की बड़ी संख्या आने लगती है, उतना ही उस मंदिर की मूर्ति का तेज बढ़ने लगता है। जितने लोगों की ज्यादा श्रद्धा भावना, उतना ही उस मूर्ति का, उस स्वरूप का तेज और बढ़ने लगता है और फिर तुम्हारी हर मन्नतें पूरी होती है। उसी तरह जितनी बड़ी संख्या में देश की जनता चुनती है अपने नेता को, जितनी बड़ी संख्या में और स्पष्ट बहुमत के साथ, स्ट्रांग बहुमति के साथ, उतनी ही उस नेता की ताकत बढ़ती चली जाती है और जितना वो ताकतवर रहता है, उसकी सरकार ताकतवर रहती है, उतना ही जनता की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती चली जाती है। भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भावो ही कारणम्। श्रद्धामयो यम पुरुषः यो य श्रद्धस्यैव सः। तो जहां लोगों की श्रद्धा बन जाए, सालासर जी बालाजी में लाखों लाखों लोगों की श्रद्धा, तो हनुमान जी का तेज उतना ही बढ़ता चला जाता है। और हनुमान जी, हमारे बढ़ाने से हनुमान जी का तेज बढ़ता है ऐसी बात नहीं, ये कहो प्रकट होता चला जाता है, उतना ही हनुमान जी का तेज प्रकट होता चला जाता है। और फिर वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते रहते हैं। जैसे मनोकामना पूर्ण होती रहती है तो लोगों की श्रद्धा और बलवती होती रहती है, और बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं तो और प्रभाव बढ़ता है और सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। तो मंत्र पुष्पांजलि के इस मंत्र में हम ये उच्चारण करते हैं, समुद्र पर्यंत आया एकराड इति। समुद्र पर्यंत की इस पृथ्वी पे एक ही राजा हो, एकराड। राजा धर्म का आश्रय लेता है तो राजा की ताकत बढ़ती है, राजा का तेज बढ़ता है। और जिस धर्म के प्रति उस राजा की आस्था बढ़ती है तो धर्म मजबूती से फैलता चला जाता है। सम्राट अशोक और बुद्धिज्म का क्या प्रसार हुआ, ये परस्पर आश्रित और एक दूसरे से समृद्ध होते।
रशिया का इतिहास कुछ अलग है। वहां जार राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों ने मिलकर फिर शोषण के ऊपर जब उतर गए, हमारे यहां ये नहीं हुआ, क्योंकि राजा के ऊपर धर्म था। कोई चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए और हमारे यहां राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया बाजमेघ। राम जी के पिता दशरथ जी भी चक्रवर्ती सम्राट थे। पांडवों ने राजसु यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ किए हैं राजा परीक्षित ने, और उन यज्ञों के पश्चात सफलतापूर्वक यज्ञ करने के पश्चात चक्रवर्ती पद पर वह राजा अभिषिक्त होता है। और जब चक्रवर्ती पद पर अभिषेक होता है उसका, दूसरे सब राजे महाराजे इनके अधीन होते हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट, और अभिषेक जब हो जाता है तो राजा तीन बार बोलता है, अदंड्योऽस्मि अदंड्योऽस्मि अदंड्योऽस्मि, मैं अदंड्य हूं, मैं अदंड्य हूं, मैं अदंड्य हूं। कोई और अपराध करे तो मैं उसे दंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं अदंड्य हूं। तब उसके धर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषि, उस राज्य के गुरु उसके पास खड़े होते हैं, उनके हाथ में एक धर्मदंड होता है, और वे राजा को स्पर्श कराकर तीन बार कहते थे, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। राजन, आप भी अदंड्य नहीं है। आपने यदि अधर्म किया, आपने कोई अयोग्य काम किया, तो आपको दंड देने वाला धर्म है। श्रीमद् भागवत के आधार पर कहूं तो राजा वैन, उसका जब अत्याचार बढ़ा तो ऋषियों ने दंड दिया, यहां तक कि राजा वैन को समाप्त कर दिया मंत्र शक्ति से। तो धर्म राज सत्ता को अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होने देता था। यदि राजा सत्ताभिमान में, विषय भोग में और अत्याचार करने लगे तो भगवान परशुराम बन करके उन्हें दंड देने के लिए अवतरित होते हैं। ये भगवत चेतना का आवेश है, परशुराम आवेशावतार के अंतर्गत है। समय समय पर 21 बार पृथ्वी को नक्षत्री करी, मतलब समय समय पर जब जब राजसत्ता पथच्युत हुई, धर्मच्युत हुई, तो भगवान परशुराम ने दंड दिया। तो रशिया की जो स्थिति बनी उसके चलते फिर कार्ल मार्क्स ने, वो भी चिंतक एक महापुरुष थे, तो कहा कि धर्म तो अफीम का नशा है, और धर्म और राजनीति का ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा खतरनाक है। तो मजदूरों और किसानों को मिलाकर के एक ऐसा आंदोलन हुआ। निकोलस जार के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया रशिया में। और फिर जिस प्रकार की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आई, तो बीच में ऐसा लगा कि रशिया सामरिक दृष्टि से तो बहुत मजबूत है, लेकिन भूखमरी ऐसी रशिया की प्रजा ने देखी। तो कौन सी शासन व्यवस्था आदर्श मानी जाए,
रामचरितमानस के अनुसार उस आदर्श शासन व्यवस्था का नाम है रामराज्य। और रामराज्य वो शासन व्यवस्था है जिसमें राजनीति और धर्म में संबंध न हो, ये वाली बात नहीं, बिल्कुल संबंध है। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी में संबंध नहीं हो? यदि ऐसा है तो रामराज्य संभव है? स्वपंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, अपनी ही राजसत्ता का उत्तराधिकारी, अपना ही ज्येष्ठ पुत्र राम, जो कि लोकप्रिय है, जन जन के हृदय में राम के प्रति अनुराग है, और उसको उत्तराधिकारी बनाना, राम को राजगादी देना। हम कथा सुनेंगे, दशरथ जी बूढ़े हो गए, श्रवण समीप भये सीत के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जराठ पन असौ कान के पास सफेद हुए बालों ने, जैसे राजा के कान में कुछ कहा, बुढ़ापे ने सफेद बालों का रूप लेकर के, कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो कान में कही जाती है, व्हेन इट इज वन टू वन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो जरा कान में कहते हैं हम, तो बुढ़ापे ने कान के पास सफेद बालों का रूप बनाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को कहा कि आप अब बूढ़े हो चले हैं, श्री राम सुयोग्य हैं, जन जन के हृदय में श्री राम का स्थान है, श्री राम का राज तिलक करके अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बनाते? यह विचार मन में आया, चिंतन शुरू हुआ उसके ऊपर, और फिर बहुत समय तक उस पर विचार करने के उपरांत एक बार अच्छा दिन देखकर दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के
पास गए। यह विचार उर आन नृप गुरुदेव के पास गए। सुदिन सुमंगल पाई, गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी कि यदि आप योग्य समझें, यदि आप अनुमति दें और आशीर्वाद प्रदान करें यानी सपोर्ट समर्थन, केवल आशीर्वाद नहीं सपोर्ट सक्रिय, तो फिर मैं राम का राज तिलक करूं। देखो ये है राम राज्य से पूर्व की भूमिका कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भी अपनी ही राजसत्ता अपने ही बेटे को देने में स्वतंत्र नहीं है। धर्मसत्ता से पूछा गया, वशिष्ठ जी धर्मसत्ता के मुखिया, अष्ट ऋषि मंडल रहता था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी, राजसत्ता धर्मसत्ता और अमात्य संस्था, अमात्य मंत्री, अमात्य संस्था के मुखिया सुमंत जी थे, धर्म संस्था के मुखिया वशिष्ठ जी थे और राज संस्था के मुखिया दशरथ जी थे। फिर उसमें राजा है, फिर रानियां आती हैं, फिर राजकुमार आते हैं, ऑल द रॉयली रॉयल फैमिली मेंबर्स, वो राज संस्था है, उसके मुखिया राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। तो सलाह करी है वशिष्ठ जी से और वशिष्ठ जी ने जब अनुमति दिया आशीर्वाद दिया, अच्छा विचार है, अविलंब क्रियान्वित करो, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। प्रसन्न हो गए महाराज दशरथ, तो गुरुदेव शुभ मुहूर्त आप जब बताएं, बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुब राज। राम राजा बनते हैं वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ दिन। हम लोग पूजा इत्यादि करते हैं तो कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। कहते हैं मुदित महीपति मंदिर आए, दशरथ जी अपने राजमहल में आए और सभी सचिवों को बुलाया, सुमंत आदि सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सब सचिव आए क्योंकि वो अमात्य संस्था के लोग हैं और अमात्य संस्था के लोग प्रजा से सीधे संपर्क में हैं, तो प्रजा का लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, प्रजा की अपेक्षाएं क्या है, प्रजा क्या चाहती है, ये अमात्य संस्था के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनको बुला करके अब राजा दशरथ ने उनसे राय करी, उनसे सलाह करी और कहा कि जो पांच ही मत लागे नीका, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। मेरे मन में यह विचार आया, मैंने गुरुदेव के पास रखा है, धर्म संस्था की सम्मति मिल गई है। आज भी हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है शासन की, उसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, लोकसभा है राज्यसभा,
कहा मैंने धर्म संस्था की अनुमति, अभिप्राय, अनुमति और आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों की क्या राय है? और अमात्य संस्था के लोगों ने भी कहा कि महाराज आप करोड़ों वर्ष जियो, आपकी लंबी आयु हो, लेकिन आपने प्रजा के दिल की बात कही है महाराज, प्रजा भी यही चाहती है। अब दशरथ जी प्रसन्न हुए और कहा कि तो फिर तैयारी करो, कल ही मैं राम का राज तिलक कर दूंगा। तुमने देखा पूरी प्रक्रिया, यह केवल रामायण सुनने के और कान पवित्र करने के लिए ही नहीं है, राम कथा पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करती है। और कथा भले ही प्राचीन हो लेकिन वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान देती है। जहां भी कोई प्रश्न उपस्थित होए तो राम कथा हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको गंगा की उपमा दी। महादेव कहते हैं पार्वती से, पूछे रघुपति कथा प्रसंग। सब गाइए, आनंद आएगा सब। ये अवसर है रामायण की चौपाइयों का गायन करने का। कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पाव सकल लोक और जगत को पवित्र करने वाली यह गंगा है। गंगा प्यास बुझाती है, गंगा पाप मिटाती है, गंगा गंदगी को धोती है, गंगा खेतों को सींचती है, अन्न पकाने में आशीर्वाद रूप है। गंगा भुक्ति मुक्तिदायिनी है। बस उसी प्रकार यह कथा गंगा भी जीवनदायिनी है, पाप विनाशिनी है। हमारी सत्य की जो प्यास है, या तो ज्ञान की जो प्यास है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, उसको बुझाती है यह कथा। और गंगा कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती, उसी प्रकार ये कथा भी कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकती। गंगा हजारों सालों से बह रही है, बड़ी पुरानी है, बड़ी प्राचीन नदी है, लेकिन क्योंकि अविरल बह रही है तो हर क्षण नई भी है। इसलिए ये कथा भी
बड़ी प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण की बात लो तब तो वो आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, महाभारत से भी तो पुरानी रामायण है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस की भी बात करो तो सैकड़ों वर्ष पुरानी। लेकिन हर क्षण नई, क्योंकि बहती हुई गंगा। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, किसी विचारक ने, कि एक ही नदी में चाहे आप सैकड़ों बार स्नान कर लो, एक ही घाट पर आप सैकड़ों बार स्नान कर लो, लेकिन हर बार जब आप स्नान करने जाते हो, गोता लगाते हो, तो नदी वही की वही नहीं है, नदी बदल गई। सुबह में जिस गंगा में तुम नहाए थे, शाम को वो गंगा नहीं है, क्योंकि अविरल बह रही है, तो लगता तो है कि वही है, लेकिन पानी बदल गया। कल जो पानी था वो आज नहीं है, अविरलता है, उसके चलते उस अविरल भाव को हमने नदी का नाम दिया। तो एक दृष्टि से नदी वही है, घाट वही है, लेकिन पानी वही नहीं है, बदल गया। तो राम कथा वही है, वक्ता वही है, लेकिन फिर भी हर कथा अपने आप में नहीं है। समय समय पर व्यक्ति और समाज की समस्याएं बदलती रहती है, और उन समस्याओं का तद अनुरूप समाधान ये कथा देती रहती है। अतः जिस प्रकार गंगा कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती, ये कथा भी कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकती। ये सकल लोक जग पावनी गंगा। तो न जाने कितनी बार आप लोग भी राम कथा सुन चुके हैं, न जाने कितनी बार ठाकुर जी ने हमसे ये सेवा करवाया है, लेकिन फिर हर कथा नई, कुछ नया, कुछ ताजा, ऐसी यह राम कथा। आओ, अयोध्या में तो मंदिर बना, अभी उसका और विकास होना, वो पूरा संकुल नया श्रृंगार धारण करता रहेगा, उसमें अभी और बहुत सी चीजें ऐड होती रहेंगी। और अभी जिस दिव्य और भव्य रूप का हमने दर्शन किया कर रहे हैं, उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन साथ साथ अपनी जिंदगी की भूमि में भी कभी कभी यवन कब्जा कर लेते हैं, दुर्गुण, जैसे वहां यवनों ने कब्जा कर लिया, हमारी जिंदगी पर भी कभी कभी दुर्वृत्तियां कब्जा कर लेती हैं। कहने को हम राम भक्त है, लेकिन हम पर शासन रावण कर रहा होता है। रावण मतलब मोह, मोह का शासन है। रावण का भाई कुंभकर्ण अहंकार, रावण का बेटा मेघनाद काम। तो मोह है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, मत्सर, ईर्ष्या, उन सब का साम्राज्य हमारे जीवन पर है। तो हमारी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया, जिंदगी की भूमि पर, जिंदगी की जमीन।
दुर्वृत्तियों के कब्जे में है, छुड़ाना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा। यही साधना, यही भजन है। और यदि जिंदगी की जमीन को हमने छुड़ाया, फिर उसके ऊपर मंदिर निर्माण, जिंदगी की जमीन पर फिर ये जो देह है हमारा शरीर, ये मंदिर है। उसके पहले एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर। दिस फिजिकल बॉडी इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर, इजंट इट? लेकिन जब दुर्गुणों का कब्जा हो, उस ढांचे को ढहाना जरूरी हो जाता। सफाई करना जरूरी हो जाता, ग्राउंड जीरो। संघर्ष करते 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 फिर एक समय आया कि कार सेवकों ने उसको अपराध माना गया वहां। तो यहां आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो ये आराधना, साधना। हम अपनी जिंदगी की जमीन को दुर्वृत्तियों से मुक्त कराएं, फिर देह को देवालय बनाएं। देहो देवालय प्रोक्ता। और देह जब देवालय, मंदिर की तरह सात्विक, नींव पड़े प्रेम की, प्रेम की नींव पर खड़ा है तो मंदिर है। और फिर हृदय के गर्भगृह में राम लला की प्रतिष्ठा हो, राम के शासन में हम जिएं, राम राज्य हो, इस भावना से हम इस कथा में जुड़े, उस दृष्टि से सत्संग करेंगे। इसका नाम है राम कथा, लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ के माध्यम से हम यात्रा करेंगे मेनली। और इसका नाम रामायण नहीं है, इसका नाम है रामचरित मानस एहि नाम। रामचरित मानस एहि नाम। रामचरित सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण तुलसीदास जी ने
अपनी रचना का नामाभिधान किया है अपने ही इस ग्रंथ में, किसका नाम है रामचरितमानस। प्रत्येक लेखक कवि अपनी रचना को कोई ना कोई टाइटल देता है, कोई ना कोई नाम देता है। व्यास जी ने भागवत की रचना करी तो भागवत में ही नामकरण भी किया है अपने ग्रंथ का, इदम भागवतम नाम, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये भागवत नाम का पुराण है। कैसा है? बोले ब्रह्म सम्मितम, वेद सम्मत। ब्रह्म वेद, वेद सम्मत। और तुलसीदास जी का यह ग्रंथ बोले श्री रामचरितमानस कैसा है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। हमारे यहां जो श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है, उसी का महत्व है और सनातन धर्म के लोगों ने उसी का स्वीकार किया। जो वेद सम्मत नहीं है वो नास्तिक। स्मृतिकारों ने कहा नास्तिक कौन? बोले नास्तिको वेद निंदक। जो वेद निंदक है, वेद प्रामाण्य का स्वीकार नहीं करता, वो नास्तिक है। तो भागवत ब्रह्म सम्मितम, रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। भगवत गीता बोले वो तो उपनिषदों का ही सार है, वेद सार। मौलिक शब्द का इसलिए बड़ा मौलिक अर्थ है हमारे यहां। ये बड़ी मौलिक रचना है, ऐसा कोई लेखक दावा करे तो वहां सामान्य अर्थ ये हो जाता है कि आज तक ऐसा किसी ने कहा नहीं, आज तक ऐसा लिखा नहीं गया, ये बिल्कुल नया मौलिक है। हमारे यहां हमारे धर्म जगत में मौलिक शब्द का अर्थ अलग है। मौलिक शब्द का अर्थ है मूल से जो संबंधित है उसको कहेंगे मौलिक। मूल से संबंधित, मूल क्या है? बोले वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। और उस वेद से संबंधित है उसी को हम मौलिक कहेंगे। उस अर्थ में गीता रामायण भागवत इत्यादि हमारे ये सब ग्रंथ मौलिक है, वेद सम्मत। तो वेद के द्वारा जो प्रमाणित है, वेद ने जहां मोहर लगाई है, उसी का महत्व हम सनातनियों के लिए है, हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए। इसका नाम है श्री रामचरितमानस। महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा वो रामायण, और तुलसीदास जी की रचना को श्री रामचरितमानस कहा गया। क्यों श्री रामचरितमानस? बलराम जी का यह चरित्र सबसे पहले रचा महेश ने, महादेव ने। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर हरे उन्हें।
प्रिय हे हर श्री हर। सबसे पहले भगवान शिव जी ने इसकी रचना किया और अपने मानस में रखा, अपने हृदय में। इसलिए रामचरित मानस, योग के समय जब आया तो उन्होंने यानी महादेव जी ने पार्वती को सुनाया। वैसे भी देखा जाए तो ये आप माताएं बहनें महंगे नेकलेस ले आती हैं, कभी सच्चे हीरों का, कभी एडी अमेरिकन डायमंड का, लेकिन महंगे वाला नेकलेस हो तो उसको रखने के लिए बढ़िया एक बॉक्स तैयार किया जाता है और उस बॉक्स को भी आप इधर उधर नहीं रखते, घर की तिजोरी में, सेफ में संभाल करके आप रखते हैं। तो भगवान राम का चरित्र भी बड़ा मूल्यवान है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। इसको कहाँ रखा जाए संभाल के? बोले अपने मन में। रचि महेश निज मानस राखा, निरंतर अपने मन में रखो राम चरित्र को। मन सतत मनन करे, राम के चरित्र का चिंतन करें, गायन करें, श्रवण करें। हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए वेदों में भी भद्रं करणे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिः यजत्राः ये प्रार्थना करी गई। आंखों के द्वारा हम भद्र देखें, करणे भी भद्रं शृणुयाम, कान के द्वारा हम भद्र सुने, जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसे ही वचन सुने। हे देवताओं, ऐसी कृपा करो, ऐसी मति दो हमें कि जिससे हमारा कल्याण हो, वही हम देखें, वही हम सुने। पाप और परमात्मा दोनों का प्रवेश स्थान एक ही है, नेत्र और श्रोत्र। पाप भी यहीं से प्रवेश करता है, परमात्मा भी यहीं से प्रवेश करता है। बुरा देखने से और बुरा सुनने से मन बिगड़ता है, पाप भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए वो गांधी जी के तीन बंदर बड़े प्रसिद्ध हो गए। यूं एक बंदर का हाथ, दोनों हाथ कान पे, मतलब किसी की नहीं सुने ऐसा नहीं, हाँ कई लोग बंदर से उल्टा सीखते हैं कि किसी की मत सुनो, अपने मन की करो। नहीं ऐसा नहीं, इसका अर्थ है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और यहां से जो अंदर जाता है वो यहां से निकलता है मुंह से। तो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। तीन बंदर। निर्वचन, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसी का होगा फिर। तो पाप भी यहां से प्रवेश करता, परमात्मा भी इन्हीं दोनों द्वार से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, तो
परमात्मा नेत्र द्वार से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। जब हम कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो परमात्मा श्रोत्र कान के द्वार से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रभु का दर्शन करो, प्रभु की कथा का श्रवण करो, और ये करते करते फिर यहां से वक्ता भी उसी का संकीर्तन, उनके गुण, उनकी लीलाओं का और उनके नामों का, और श्रोता भी मिल करके भगवान नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। राम जय राम,
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण आदि काव्य, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विषय बनाकर ग्राम्य गिरा में, लोक बोली में रचना करी। हमारे यहां एक ऐसी भी मान्यता है कि कली के जीवों के संतारण के लिए वही त्रेता के महर्षि वाल्मीकि कलिकाल में तुलसी के पुत्र तुलसी के रूप में प्रकट हुए। फिर से उन्होंने लेखनी उठाई, विषय वही श्री राम का चरित्र। दो बातें बदल गई, एक भाषा बदल गई, अब संस्कृत में नहीं लोक बोली में रचना करी। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि के राम विशेष करके आदर्श मनुष्य है। यदि वाल्मीकि को पढ़े, निश्चित रूप से लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि राम ब्रह्म है, लेकिन वो दबे हुए स्वर में कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि का उद्देश्य जनता को आदर्श मानव जीवन क्या है ये समझाने का है। क्योंकि यहां क्या होता है कि भगवान किसी को मान लिया जाए तो फिर हम राजीनामा दे देते हैं कि वो तो भगवान है तो कर सकते हैं, हम तो पामर मानव, हमारे बस की बात नहीं। तो फिर रामादि वद्वर्तितव्यम, वो बात होगी नहीं कि राम की तरह जियो, राम की तरह रहो, राम का आचरण करो। तो लोग कह देंगे वो तो भगवान है, वो कर सकते हैं, वो थोड़ी हम तो पामर मनुष्य। तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। मानव, आदर्श मानव के रूप में ऐसा उदात्त मानव चरित्र कि लोग फिर उसको भगवान की तरह पूजने लगे, एक ये बात है। और तुलसीदास जी कहते नहीं, भगवान ही मानव रूप बनाकर आए हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, ये भगवान का अवतार हो, ये तुलसीदास जी कहते हैं। और महर्षि वाल्मीकि कि राम ने ऐसा चरित्र, उदात्त चरित्र, ऐसा जीवन जिया, भगवान बन गए। और इस प्रकार का जिनका जीवन होता है तो हम कहते हैं कि हमारे लिए तो भगवान की तरह है, हम भगवान की तरह उसको पूजते हैं, हम मानते हैं, हमारे लिए तो वही भगवान है। तो महर्षि वाल्मीकि आदर्श मानव जीवन क्या है ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारे यहां एक विकासवाद है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन है, कहते हैं अमीबा से जीवन की शुरुआत हुई और इवोल्यूशन होते 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 मनुष्य तक चेतना पहुंची, ये विकासवाद है डार्विन का। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं माना जाता कि भाई अमीबा से शुरुआत हुई चेतना की। और हाँ, वह परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करता है ये बात है शास्त्रों में, वेदों में, ब्रह्म सूत्र में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वा तत्व समन्वयात आदि आदि सूत्रों के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी ने यात्रा कराया। तो
तो वही परब्रह्म परमात्मा सो अकामयत बहुस्याम प्रजायेय, उसने कामना करी, उसने इच्छा करी कि मैं एक से अनेक हूं, और उस संकल्प उस इच्छा से वो हो गए। इच्छा चेतन में होती है, जड़ में नहीं। शिल्पकार नक्की कर सकता है कि इस प्रस्तर खंड से मैं ये वाली मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन वो प्रस्तर खंड यानी वो पत्थर ये इच्छा नहीं कर सकता कि सुन 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 भैया मुझे राम बनाना, इन दिनों कृष्ण नहीं, राम बनाओगे तो कभी मेरा नंबर लग सकता है। तो वहां पर भी तीन मूर्तियां अलग अलग पत्थर से बनाई गई, तो फिर कहते हैं ना कि अयोध्या में उन तीन मूर्तियों में से फिर एक मूर्ति का चयन हुआ और बालक राम की वो मूर्ति 5 वर्ष के, वाकई बहुत सुंदर, बड़ा दिव्य स्वरूप जो प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन इच्छा चेतन में होती है, जड़ में नहीं। लकड़ी कभी ये इच्छा नहीं करती कि भाई मेरा फर्नीचर बनाना, कुर्सी बनाना, सोफा बनाना, मैं तुझे अपने गोद में बिठाऊंगा, प्लीज मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठीक है जलाना नहीं, तापने के लिए। इसलिए भगवान बादरायण सूत्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार ये सांख्यवादी मानते हैं प्रकृति से, सब पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, तो उसके मत का खंडन है ब्रह्म सूत्र में। परब्रह्म परमात्मा से ये सृष्टि सो अकामयत, उसने इच्छा करी, तो इच्छा चेतन में होती है, जड़ में नहीं। तो जड़ प्रकृति अथवा तो जड़ सांख्यवादी जिसको प्रधान कहते हैं, वो इस सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। इस सृष्टि का कारण है परब्रह्म। और फिर अद्वैत सिद्धांत में उसी को उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है परब्रह्म परमात्मा है। ये वेदांत की बात है, जाने दो आपके शायद पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि परब्रह्म परमात्मा ही अपने आप को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करता है। और वेद कहते हैं कि ये जितनी जानने में आने वाली ये जो सृष्टि है ना, पृथ्वी सूर्य चंद्र न जाने हमारे जो सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स है वो, और ऐसे तो कितनी सोलर सिस्टम्स मिल्की वे में हैं, ऐसे अनंतानंत ब्रह्मांड ये सब उस चतुष्पाद पुरुष के एक चरण में है। जितना भी जानने में आता है पुरुष एवेदम सर्वम, वेद कहते हैं ये जो कुछ है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। और रामचरितमानस क्या कहता है, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सब कुछ तो ब्रह्म है ही है, लेकिन याद रहे ये केवल उसका एक पाद है, एक चरण, वो चतुष्पाद पुरुष है, त्रिपादस्य अमृतम दिवी। इसके और जो तीन पाद है वो तो अमृत लोक में, ये मृत्यु लोक है, ये मर्त्य लोक है, और उसके तीन चरण अमृतम दिवी। वेदों की जो भाषा है, वेदों के जो मंत्र है, उसको समझने के लिए ऐसे वेदांती महापुरुषों के पास जाना पड़ता है, और वो भी जिज्ञासु बन करके, वो भी तब आपको उसकी स्कूल में दाखिला मिलता है जब आप साधन चतुष्टय से संपन्न हो,
अरे भैया आपके बच्चों को स्कूल में दाखिला तब मिलता है, इंटरव्यू लिया जाता, बच्चों का तो माँ बाप का इंटरव्यू करते हैं, और किसी किसी स्कूल में तो एडमिशन बड़ा मुश्किल, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बड़ा मुश्किल, उसी प्रकार वेदांत की स्कूल में एडमिशन बड़ा मुश्किल है, कठिन है, ऐसे ही नहीं मिलता है। इसलिए साधन चतुष्टय की बात आती, वाह ये भी एक अनुभव है। आप चुपचाप आ गए। फोर क्वालिटीज हो आपके अंदर तब ही आपको वेदांत के स्कूल में एडमिशन मिलता है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक यहा मुत्रार्थ फल भोग विराग षट संपत्ति ही मुमुक्षा, चार चीजें हो तब आपको वेदांत के स्कूल में प्रवेश मिलता है, नहीं तो भले ही आप बैठ जाओ समझ नहीं पाओगे। और एकेडमिकली यदि समझ भी गए जी नहीं पाओगे, तद अनुसार आपका जीवन नहीं बनेगा, आपको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। वो ज्ञान केवल परोक्ष ज्ञान ही रहेगा, उसकी अपरोक्षानुभूति नहीं हो पाएगी, वो सुना हुआ ज्ञान केवल रहेगा, अनुभव में नहीं उतरेगा। भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, के सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारे लिए ईश्वर है लेकिन अनुमान बन करके, जो श्रद्धावान है हम कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, उसी ने ये सब बनाया है पूरा संसार और वही चलाता है, ये अनुमान है लेकिन अनुभव नहीं है, अनुमान है। महादेव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ब्रह्म साक्षात्कार राम तत्व का अनुभव जिसको हो जाए तो बात और हो जाती, लेकिन वो तब संभव है साधन चतुष्टय के साथ वेदांत के स्कूल में दाखिला मिले, और समर्थ ऐसे वेदांती महापुरुष वो मार्गदर्शन। जो ब्रह्म दृष्टा है यानी उस ब्रह्म का साक्षात्कार जिसने किया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, देखा है, अनुभव किया है, तत्व दृष्टा है जो, जैसे सुखदेव जी। सुखदेव जी तत्व दृष्टा है, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त
ऐसे परमहंस महापुरुष, इसलिए भागवत के उत्तमाधिकारी वक्ता श्री सुखदेव जी है और उत्तमाधिकारी श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज। रामचरितमानस में भी चार वक्ता श्रोता की बात है, क्योंकि रामचरितमानस को सर यानी सरोवर की उपमा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बड़ी बड़ी सुंदर तुलना है कि जिस प्रकार हिमालय में मान सरोवर है, उसी प्रकार ये मानस सरोवर है। मान सरोवर की यात्रा कठिन है, मानस सरोवर की यात्रा भी कठिन है। ऐसा नहीं समझना कि पंडाल बना लिया गया और सारी व्यवस्थाएं जुटा लिया गया, हम घर से चले और आकर बैठ गए, नहीं, कठिन है यात्रा। मानसरोवर भी अनेकानेक पर्वतों को पार करते हुए जाना पड़ता है। कितने लोग मानसरोवर हुआ है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितने लोगों ने की? वाह, हमको भी दो बार ये अवसर मिला और एक बार तो मानसरोवर के तट पर कथा हुई। पहली बार गए तो हमने पूरी कैलाश परिक्रमा की, अनेकानेक साधु संत भी साथ में थे, पूज्य रमण रीति वाले महाराज श्री। पहली वाली यात्रा में तो कोई इतनी सुविधा नहीं थी, कोई पुल नहीं थे, नदियों को क्रॉस करना पड़ता था, कोई धर्मशाला इत्यादि ज़्यादा नहीं, और टेंट में रहे। लेकिन उस यात्रा का जो आनंद है अभी भी मन में ताजा है। दूसरी बार तो फिर सुविधाएं वहाँ की संस्था ने बढ़ा ली, लेकिन ठंडी तो वही वाली थी। लेकिन मानसरोवर के तट पर सभी भक्तों ने मिलकर हम लोगों ने वहाँ कथा, और सात पाठ, सात दिन वहाँ रहे तो सात पाठ सात ऋषि कुमारों के द्वारा भागवत जी के, सात पाठ रामचरितमानस के, सात पाठ शिव पुराण के, कुछ तीसरे ऋषि कुमार आए थे, और रोज सुबह लघु रुद्राभिषेक महादेव जी का और अपराह्न सत्र में कथा। बड़ा आनंद लिया। तो मानसरोवर की यात्रा कठिन है, अनेकानेक पर्वतों को पार करते हुए, उसी प्रकार यहां पर भी मानसरोवर की यात्रा भी कठिन है, अनेक पर्वतों को पार करके आपको यहां तक पहुंचना पड़ता है। कौन से पर्वत? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घर के कामकाज की जंजाल, यही है बड़े बड़े पहाड़, जिसको पार करके यहां पहुंचना हो। नहीं तो पूरी कथा सुनेंगे नक्की करके बैठे हैं, लेकिन पहले ही दिन कुछ ऐसा काम आ गया, बाहर से मेहमान आ गए, लो एक दिन की कथा गई, सोचते हैं कि कल से तो जाएंगे। दूसरे दिन तेज बुखार, बड़े बड़े पहाड़ पार करके यहां तक पहुंचना पड़ता, और फिर हिमालय में बहने वाली नदियां, कई नदियों को क्रॉस करना, और प्रचंड वेग से बहती है पहाड़ों की नदियां, तो वो कोई मैदानी इलाकों में धीरी मंथर गति से बहने वाली जमुना थोड़ी है। जब पहाड़ से बहती है तो प्रचंड वेग से, और उन नदियों को पार करना खतरा है, तो यहां आने से पहले भी आपको कई नदियों को पार करना पड़ता है, भयंकर
प्रचंड वेग से बहने वाली, यदि गिरे उस किनारे लगना तो छोड़ दो, बह ही जाओगे। वो कौन सी नदियां? नदी कुतर्क भयंकर नाना, कुतर्क की नदियां, जिसकी बुद्धि को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी बुद्धि कुतर्क में फंसी हुई है। कुतर्क तर्क, बुद्धि के पास तर्क है, तर्क का उल्टा करो तर्क, कर्त और री लगा दो तो कर्तरी, कैंची, जैसे कैंची सब काटती है टुकड़ा टुकड़ा करती है, ये तर्क की भी कर्तरी टुकड़ा टुकड़ा कर देती है सर, जबकि श्रद्धा हमको जोड़ती है उस परम तत्व के साथ। तो कुतर्क, कथा सुनने से क्या होता है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? आजकल देखा जाए, जा देखो कथा कथा कथा, कोई ना कोई महात्मा, अरे टीवी खोलो तो कोई ना कोई महात्मा का प्रवचन चल ही रहा है। इट इज वेस्टेज ऑफ मनी टाइम एंड एनर्जी। अरे गरीबों की सेवा में लगाओ पैसा, उतना समय सेवा में लगाओ। ऐसे कुतर्क की लोग तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, अरे काय को लड़ते हो मस्जिद मंदिर की लड़ाई, वहां अस्पताल बनाओ, गरीबों की सेवा होए, रोगियों की सेवा होए। श्रावण का महीना और इतना दूध चढ़ाते हो शंकर भगवान के ऊपर, गरीबों के बच्चों को मिलता नहीं है क्या? गरीबों में शंकर जी नहीं है, उनको पिलाओ। ऐसी बातें करते हैं लोग, तो पता नहीं हिंदुओं की बातों में ही उनको ये सब याद आता है। हिंदुओं के त्योहार आते हैं, हिंदुओं के पर्व आते हैं, तभी ऐसे ऐसे बुद्धि प्रामाण्यवादी लोग दलीलें करने लग जाते हैं। अस्पताल भी बनाएंगे लेकिन कहीं अन्यत्र, लेकिन मंदिर तो वहीं बनाएंगे। तो राम लला की जन्मस्थली, अस्पताल की भी जरूरत है लेकिन ये, और मैंने कहा है कि ये केवल राम मंदिर, ये केवल धार्मिक बात नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता की पुनर्स्थापना हुई है। हर चीज को आप भौतिक दृष्टि से ही नहीं देख सकते। लोग कहते हैं क्यों क्यों कथाएं और ये सब, स्कूल बनाओ। माय डियर, ये हंगामी स्कूल ही है, अस्थाई स्कूल है, कथा अस्थाई स्कूल है, मास एजुकेशन का मीडिया है कथा, यहां एजुकेशन की प्रवृत्ति चल रही है, एजुकेट किया जा रहा है कथा के माध्यम से जनता को। उस स्कूल में एक पीरियड 40 मिनट का होता है, हमारा 3.5-4 घंटे का होता है, वहां 40, 30, 40, 50, 60 तक विद्यार्थी होते हैं और यहां सैकड़ों की संख्या में होते हैं। ये स्कूल ही है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। We are not wasting our time, money and energy. In fact, we are investing our time, money and energy. And this one is the best investment. सबसे श्रेष्ठ investment है ये। सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी के भी होए, जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की घटे कोटि अपराध। वहाँ स्कूल कॉलेजों में जो सिखाया जाता है तो उससे लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स ये सब निकलते हैं, और यहाँ से इंसान निकलते हैं, इंसान तैयार होते हैं। और इंसानियत उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, महाभारत कहता मनुष्यत्व से बढ़कर के श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अतः मनुर्भव, मानव बनो, इंसान बनो। बिना इंसान बने अस्पताल चलाओगे तो वो भी धंधा हो जाएगा, किसी की बीमारी पे कमाने की बात, हर चीज में धंधा ही हो जाएगा। इसलिए मनुष्य बनो। और कथा सत्संग मास एजुकेशन का मीडिया है। तो कुतर्क, तर्क अच्छी बात, तर्क तक ठीक है, लेकिन कुतर्क, तुलसीदास जी कहते हैं नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये कुतर्क की नदियां प्रचंड वेग से बहने वाली पहाड़ों की नदियां हैं, यदि उसमें बह गए, गए काम से, ये यात्रा कठिन है। सरोवर के चार घाट होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मानस सरोवर के भी चार घाट है। एक घाट है ज्ञान का, एक घाट है भक्ति का, एक घाट है कर्म का, और चौथा घाट है शरणागति का। चारों घाट पर चार महापुरुष बैठकर कथा सुना रहे। ज्ञान के घाट पर शंकर जी बैठे हैं, पार्वती को कथा सुना रहे। भक्ति के घाट पर काकभुषुंडी कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी श्रोता। पक्षियों की सभा है लेकिन पक्षीराज गरुड़ प्रधान श्रोता है। कर्म के घाट पर महर्षि याज्ञवल्क्य कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज कथा सुन रहे हैं वे श्रोता। और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं, और वे कथा सुना रहे हैं। किसको? बोले अपने मन को। तुलसीदास जी स्वयं को सुना रहे हैं, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। पाई न केही गति पतित पावन राम भजि सुन सठ मना। सठ मन, तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया।
ज्ञान के घाट पर महादेव जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं। अतः रामचरितमानस में महादेव जी के वचन जो है वो ज्ञान प्रधान है। भक्ति के घाट पर काकभुशुंडी बैठे हैं, उनके वचनों को देखेंगे भक्ति प्रधान, वो सब निवेदन है। कर्म प्रधान निवेदन है याज्ञवल्क्य का, क्योंकि कर्म के घाट पर बैठे ऋषि है। कर्मकांडी हमारे जो पंडित हमारे ब्राह्मण देवता है ना, वो जब पूजा कराएंगे यज्ञ कराएंगे तो अब भले ही महादेव की पूजा के लघु रुद्राभिषेक के लिए या तो पराम्बा भगवती की पूजा के लिए आप बैठे हो, संकल्प वो कराया जाता है, लेकिन पहले पृथ्वी की पूजा, सूर्य नारायण की पूजा, दीपक की पूजा, भैरव जी को वंदन, वरुण की पूजा, स्वस्ति पुण्यावाचन, गणेश जी की पूजा, नवग्रह का स्मरण आदि आदि करा के फिर जाके प्रधान देवता की पूजा होती है। उसी प्रकार कर्म के घाट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य ऋषि को महर्षि मुनि भरद्वाज ने राम कथा के विषय में पूछा। राम कवन प्रभु पूछव तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोही। लेकिन सीधे ही राम कथा याज्ञवल्क्य ने कहां सुनाया, गणेश जी की कथा, षडानंद की कथा, भवानी की कथा, शिव चरित्र, यही सब पहले सुना, फिर जाके प्रधान देवता की पूजा, तो फिर चल के राम कथा सुनाया। तो सती का चरित्र, शिव जी का चरित्र, षडानंद का चरित्र, जग जान षडानन जन्म करम प्रताप पुरुषारथ महातेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। लेकिन उन सब की कथा पहले सुनाया, तब जाके राम कथा। प्रधान देवता का पूजन बाद में आता, क्योंकि कर्म के घाट पर बैठे हैं। और कर्मकांड उसकी एक शास्त्रीय पद्धति है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम्हार हसी। शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, तो तुलसीदास जी के जो निवेदन है वो शरणागति प्रधान। तर हिन बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट झंझाल। तो ये चार घाट है और चार वक्ता है। तो महादेव वो तो आदि रचयिता रामचरितमानस, ज्ञान के घाट पर बैठे हैं, इसलिए महादेव जी का मंगलाचरण भी देखो। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने, जहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदव बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज। ये तो ज्ञानी वेदांति का मंगलाचरण। भोलेनाथ जिस घाट पर बैठे हैं ना, ज्ञान का वो घाट, वहाँ ये मानस सरोवर का पानी बड़ा गहरा है, वहाँ नहाने जाओ
तो बिना सोचे समझे पानी में धसना नहीं, पानी गहरा। यदि तैराक हो आप तो ही वहां जाओ और गोता लगाओ, वरना खतरा, पानी वहां पे गहरा है। पानी पीने यदि गए हो, क्योंकि सरोवर पे या तो कहीं लोग नहाने जाते हैं, कहीं लोग पानी पीने जाते हैं, पानी पीने गए हो तो भक्ति के घाट पर पधारो। वहां पीने लायक पानी, शीतल मधुर, क्योंकि प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई शीतलता सोई मधुरता सुशीतलताई। कर्म के घाट पर गए हो अपने मन के मैले कपड़े को धोने, कपड़े धोने भी जाते हैं ना कई लोग सरोवर पे, तो मन के मैले कपड़े को धोना है तो कर्म के घाट पर चले जाओ, पानी निर्मल है, स्वच्छ है। क्योंकि गंदे पानी में कपड़ा क्या धोगे, तो और गंदा हो जाएगा। स्वच्छ पानी में कपड़ा धोना चाहिए। और पानी एक ही बाल्टी हो तुम्हारे पास, ज्यादा पानी नहीं है तो उसमें कपड़ा तो धोगे लेकिन लेकिन पानी फिर गंदा हो जाएगा। और ये तो सरोवर का पानी है, तो अगाध है जल, तुम्हारा मन इसमें धोने से निर्मल हो जाएगा वो मन, क्योंकि कर्म के घाट पर सगुण की स्वच्छता है, सगुण भगवान की लीला। लीला सगुण जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, तुलसीदास जी लिखते हैं। ये बालकांड में सब बड़ा सुंदर वर्णन है। आज पहला दिन है इसलिए बालकांड की ये जो पीठिका है वो तैयार कर रहे हैं रामचरितमानस के विषय में। रामचरितमानस का स्वरूप क्या है, जैसे भागवत सुनने से पहले भागवत का महात्म्य सुनना होता है और उसमें भागवत का स्वरूप समझना होता है, ये रामचरितमानस का स्वरूप क्या है, कौन रचयिता। बोले सबसे पहले महादेव ने रचा, पार्वती को सुनाया, फिर सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने काग भुसुंडी को दिया, काग भुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया, तही सन जाग बलिक मुनि पावा, तही पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं वही भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद मैं लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा। तो चारों गायक, तो वहां भागवत में सुखदेव जी उत्तम वक्ता है, परमहंस, और यहां महादेव जी, वो तो परमहंस भी जिनका भजन करते हैं। ध्यायन नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। तीन जगह भागवत कथा चलती है, सुखदेव और परीक्षित के मध्य संवाद हो रहा, नैमिषारण्य में सुत जी और शवनकादिकों के बीच में संवाद हो रहा, और मैत्रेय जी के आश्रम में मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में संवाद। तीन संवाद में भागवत कथा सुनाया। वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस भी प्रधान तीन संवाद, शिव पार्वती का, काग भुसुंडी और गरुड़ जी का, याज्ञवल्क्य और मुनि भरद्वाज का। तो रामचरितमानस सर, मानस सरोवर,
कभी कभी लोग मानसरोवर तक पहुंच जाते हैं सारी तकलीफों को पार करके, पहुंच भी गए तो सब लोग स्नान करके ही लौटते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं सच कहता हूं, हम लोग जब गए दो बार तो कई लोग पहुंच गए लेकिन जैसे ही पहुंचे आज रात, दूसरे दिन सुबह उनको निकलना पड़ा, ऐसे बीमार हो गए, तुरंत भागना पड़ा। कभी कभी तो कईयों को हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना करना पड़ता है। तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा होती है तब जाकर के कोई वहां टिक पाता है। और फिर 7 दिन की कथा वहां करना, अब तो होने लगी है, बहुत होने लगी है, लेकिन सब लोग टिक नहीं पाते। हम लोग दूसरी बार गए तो हम सबका ध्यान रखने के लिए जो डॉक्टर आया था वो डॉक्टर ही बीमार पड़ गया, तो दूसरे दिन उसी को नीचे उतरना पड़ा, तू जा भाई। हमारी बीमारी में हमारी सहायता करने के लिए जो डॉक्टर साहब आए थे वही गए। तो महादेव कृपा करते हैं, वही फिर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद स्नान कर पाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कई लोग यहां कथा पंडाल तक आ जाते हैं, मानस सरोवर पहुंच गए सारे विघ्नों को पार करके, तो सब लोग स्नान करके ही जाते हैं, यानी सुन करके ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। कई लोगों को इतनी बढ़िया वाली ठंडी है, आरामदेह सोफा है, नींद आ जाती है, निद्रा रूपी कभी सर्दी बुखार सुन नहीं पाते, या तो बैठे हैं यहां लेकिन मन घूम रहा है कहीं अन्यत्र। और एक तो ये जो आप उस यंत्र को ही साथ लेकर के घूमते हो ना हर जगह, तो कथा में बैठे बैठे भी कई लोग तो बस उसी के साथ बिजी रहते हैं, मोबाइल सेलफोन इतना डिस्ट्रक्शन है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता। और कहा तो ये गया कि तात सुनहु सादर मन लाई, मन लगा कर सुनो, तो साइलेंट मोड पे रखो। अब साइलेंट मोड पे रखने के बाद भी किसी का आया तो नहीं, फिर से देखने लगते, घंटी तो नहीं बजी लेकिन किसी का मिस्ड कॉल तो नहीं आया। और वाइब्रेट मोड पे रखा तो मलेरिया, जैसे एकदम ठंडी चढ़ती और होता है बुखार में, उसी तरह मोबाइल भी कांपता है वाइब्रेट मोड पे। वैसे तो ये सुविधा के लिए बना है लेकिन क्या विघ्न डालता है देखो, तो नहीं सुन पाते सब लोग। और तुलसीदास जी ने एक बात बढ़िया वाली बताई कि वो तो स्नान नहीं कर पाते मानसरोवर में, वापस लौट आते हैं और कोई आए मिलने के लिए कि यात्रा कैसी रही, अरे बाप जान बची लाखों पाए, अब दूसरी बार नहीं जाएंगे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हम तो किसी तरह निकल आए बच गए, दया ऊपर वाले की। यदि आप कार्यक्रम बना रहे हो जाने का, हिम्मत मत करना, हम तो कहते हैं अरे भोले बाबा कहां नहीं है, कैलाश में ही रहते हैं, ऐसे वो ज्ञान की चर्चा शुरू हो जाती है, भोले बाबा तो व्यापक है। और फिर मन चंगा तो कठोते में गंगा, भगवान तो सब जगह है, देह राखे धर्म है भैया।
जो बहोरी कोई पूछन आवा तो सर निंदा करिता ही बुझावा। यदि कोई पूछने के लिए आए, अभिप्राय मांगने के लिए आए, तो सरोवर की निंदा करके जो लोग यात्रा के लिए जाना चाहते हैं उनको भी रोकता है फिर आदमी। तो फिर इसमें स्नान करने का, इसका आनंद लेने का उपाय क्या है? बोले है उपाय, है उपाय है, there is a way, उपाय है। सच में यदि स्नान करना चाहते हो यानी कथा सुनना चाहते हो, उपाय है। क्या उपाय है? जो नहाई च एही सर बोले मनः पूर्वक सत्संग करो, नित्य सत्संग करो। जिन्होंने संतों की सेवा की है, संतों की वाणी सुनी है नियम पूर्वक, सत्संग में जिनकी रुचि बनी है, वे ही इस मानस सरोवर में स्नान कर सकते हैं। और एक बात और गोस्वामी जी ने कही कि सुनोगे तो सही, लेकिन सुनने के बाद समझना ये अलग बात हो गई। सुनने के बाद समझना चाहते हो तो तीन शर्तें हैं। ये तीन चीजें नहीं होंगी तो भले ही सुन लो, समझ न पाओगे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कर मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। एक तो श्रद्धा नहीं है जिसके पास, दूसरे किसी संत का साथ नहीं है। इस यात्रा में संत के संग यात्रा करना जरूरी है, कोई संत कोई सदगुरु। और तीसरी बात, श्री राम के चरणों में प्रेम हो तो कथा सुनने के बाद समझ में आएगी। राम में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, और सद्गुरु संत का अनुग्रह, तीन यदि है तो कथा सुनने के बाद समझ में आएगी। ऐसी यह रामचरितमानस की यात्रा, सात सोपान है इसमें। तुलसीदास जी कहते हैं यही महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथाना। महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को ग्राम्य गिरा में लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने
लोगों को आदर्श मानव जीवन क्या है ये समझाने के उद्देश्य से जो रचना करी थी, तुलसीदास जी ने कहा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुख के लिए ये रघुनाथ गाथा है, इसलिए तुलसी के राम परात पर ब्रह्म है। तीनों संवाद शिव पार्वती का, काकभुषुंडी और गरुड़ जी का, और महर्षि याज्ञवल्क्य और मुनि भरद्वाज का, इसी प्रश्न से शुरुआत होती है तीनों संवाद की कि राम कौन है, मनुष्य कि परात पर ब्रह्म। और तीनों संवाद का गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से निरूपण किया है कि जिसमें राम परात पर ब्रह्म के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तुलसी के राम परात पर ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा, राम ब्रह्म है। स्वांत सुख तो तभी मिलेगा, अंदर की शांति वो तब प्राप्त होगी, नहीं तो हम मंदिर क्यों बनाते, केवल चरित्र पढ़ते, प्रेरणा मिल जाती, राम कथा चलती रहती, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ती। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, दूसरे लोगों के लिए राम एक आदर्श पुरुष है, अन्यान्य धर्म वाले भी राम को मानते हैं, जो मानते हैं आदर करते हैं उनका, वो एक आदर्श मानव के रूप में। लेकिन हम मंदिर इसलिए बनाते हैं कि परात पर ब्रह्म है राम। तो परात पर ब्रह्म ने मनुष्य के रूप में लीन मनुज अवतार, बाकी तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो सात सोपान में यात्रा करी है ये रघुपति भक्ति केर पंथाना, बालकांड अयोध्या कांड अरण्यकांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड जिसको महर्षि वाल्मीकि युद्ध कांड कहते हैं और उत्तर कांड, ये सात सोपान। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण संस्कृत, हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण संस्कृत में किया है। तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड पंडित है, ये नहीं कि संस्कृत वो नहीं जानते थे, लेकिन ग्राम्य गिरा में लिखा कि जन साधारण भी समझ सके। हालांकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण के श्लोकों को भी देखो तो बहुत सरल है, बहुत सरल, थोड़ी बहुत जिसको संस्कृत आती है समझ में वो लोग भी बहुत इजीली समझ सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने उसको और सरल बना दिया। वास्तव में विद्वत्ता की एक नई परिभाषा तुलसीदास जी ने दिया कि सरल को क्लिष्ट बना करके बोले लिखे वो विद्वत्ता नहीं, लेकिन जो क्लिष्ट है कठिन है उसको सरल बना करके कि साधारण आदमी भी समझ सके इस तरह से प्रस्तुत करे वही सच्चा विद्वान। मैं तो कभी कभी इतना क्लिष्ट इतना कठिन लिखावट या तो वक्तव्य कहते हैं हाँ इतने विद्वान हैं इतने विद्वान हैं, एक घंटा प्रवचन किया धारा प्रवाह में हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, बड़े विद्वान। और तुलसीदास जी ने विद्वत्ता की एक व्याख्या अलग दी कि जो क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय हो उसको सरल बना करके कि सामान्य आदमी भी समझ सके। तो ग्राम्य गिरा में लिखा तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लोग थोड़े अनपढ़ हो या तो अल्पश्रुत हो, केवल दो किताब पढ़ा हो वो भी तुलसीदास जी के मानस को पढ़ सकता है, कंठस्थ करके गायन करता है, लेकिन संस्कृत में जो ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए एक पुरुषार्थ एक मेहनत
किसी गुरु के पास बैठना, ये सब जरूरी होता है। तो तुलसीदास जी ने बाल कांड का प्रारंभ 7 श्लोक संस्कृत में लिख करके किया, क्योंकि 7 कांड है इसलिए 7 श्लोक, क्योंकि सप्ताह के दिन वार 7 है इसलिए 7 श्लोक, कि 7ों दिन गाओ, क्योंकि दशावतार में भगवान राम का अवतार 7वां है इसलिए 7 श्लोक, या तो संगीत के सुर 7 है सारे गम पधनी, यानी संगीत के किसी भी राग में गायन कर सकते हो इसका, इसलिए 7 श्लोक। सूर्य नारायण के घोड़े, उनके रंग, इसमें भी कितने रंग है, और सूर्यवंशी राम का यह चरित्र है, तो 7 श्लोकों में मंगलाचरण है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेद्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं त्वमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातमोति। ये 7 श्लोक है जिसमें मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण के एक एक श्लोक और प्रत्येक श्लोक का सुंदर सुंदर भाव है, उसकी चर्चा, उस पर थोड़ी दृष्टि हम कल वाली यात्रा में करेंगे। आज की यात्रा को यहाँ विराम दें और फिर आरती इत्यादि होए, उससे पूर्व कुछ मिनट भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने मन को प्रभु में रमाएं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को प्रारंभिक निवेदन को यहाँ पर विराम, कल अपरान फिर समय से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। समय से पूर्व ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, इस विनम्र अनुरोध के साथ आइए भाव और प्यार से जय घोष करें। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। एक बार जरा आपकी आवाज यहां तक आ जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज प्रथम दिवस हमने उस अमृत वर्षा का आनंद लिया है। मैं समझता हूं हम सभी लोग अभिभूत हैं पूज्य भाई श्री जी के मुखारविंद से उस अमृत वर्षा का रस स्वादन करने के बाद, और ये निरंतर अभी चलने वाला है। मैं आग्रह करूंगा लोहिया परिवार से कि वो आए जो मुख्य यजमान है, आरती के विषय के लिए मेरा विनम्र आग्रह है। बाकी सभी लोग आरती में अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। आरती की थालियों की व्यवस्था है, वो नीचे भी आप लोग आरती कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह, अपने स्थान पर रहेंगे वहीं आरती की थाली आपके पास पहुंचेगी। बहुत सुंदर यहाँ व्यवस्था है, आप लोगों ने बहुत आनंद के साथ यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने श्री वृद्धि की है। आप सभी के प्रति इस मन से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जैसा पूज्य भाई श्री जी ने भी कहा है तो कल भी हम समय से ही यहाँ उपस्थित होंगे। आज थोड़ा हम लोग विलम्ब से आए, थोड़ा कल और जल्दी आ करके इस पावन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री ब्रह्म
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवंदनम् हस्ताभ्यां देवाभिवंदनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवंदनम् हस्तौ प्रक्षाल्यांजलौ पुष्पाणि आदाय हरिः ओम। मा जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फलं। श्रीराम भद्राय नमः। चरण कमल युग में मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत् लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि वारं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। हमारे बीच में अति विशिष्ट अतिथि जी श्री जगदीश मित्तल जी हैं, जो अध्यक्ष राष्ट्र कवि मंडल के, जिनके सानिध्य में पूरे देश के ख्याति प्राप्त 6000 कवि संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे सानिध्य में हमारे बीच में हैं। श्री भाई जी से आशीर्वाद लेते हुए और हमारे सानिध्य में आज भाई जी के साथ श्रवण करने के लिए हमारे मेयर साहब भी थे, विशेष गुप्ता सर भी थे, वो सब हमारे सानिध्य में आज आए थे। मुरादाबाद के सभी गणमान्य अतिथिजनों का स्वागत है। आज के इस खूबसूरत समापन, खूबसूरत
आज जो ये अवसर हुआ है इसके पीछे कल्याणी दरबार समिति का चरण पादुका की सेवा रही, हरे कृष्ण का भोजन का भंडारा और हमारे लोहिया परिवार कल्याण ट्रस्ट का ये सारा सुंदर समारोह और उत्सव हुआ। नीम करौली धाम के पूरे साथियों का एक बहुत बड़ा सहयोग और एक खूबसूरत उत्कृष्ट सेवा इस राम आ अमृत उत्सव के लिए। श्री हरि जिन दीर्घाओं में हम लोग बैठे थे उन्हीं दीर्घाओं के अनुसार प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। जो विशिष्ट अतिथियों की दीर्घा थी यहाँ से निकलेंगे तो आप राइट में जाएंगे, वहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। जो दूसरी दीर्घा है वहाँ भी सभी के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। बिना प्रसाद ग्रहण करे यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। और जो हमारे दैनिक के यजमान हैं, कल के हमारे यजमान आदरणीय राजीव जी भाई सब रस्तोगी जी हैं राजदीप ज्वेलर्स से, मेरा आग्रह है कि कल वो कृपया 3:30 बजे तक यहाँ अवश्य उपस्थित रहें। और भी सभी सामान्य श्रोताओं से दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस पावन अवसर को हम लोग जाने ना दें, एक भी मिनट हम ना इधर उधर ना व्यतीत करें और कल 3:30 बजे से पहले पहले हम सब लोग यहाँ स्थान ग्रहण कर लें। जिन लोगों का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यहाँ सहयोग मिल रहा है आप सबके प्रति इस मंच से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महानगर मुरादाबाद के और आसपास के क्षेत्रों के पधारे सभी भक्तजनों के प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता। आप सबकी इस उपस्थिति से जो कार्यक्रम में श्रीवृद्धि हुई है, आप सबको इस पावन कार्यक्रम में ऐसे ही मन से आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, मंगल कामनाएं बहुत बहुत। जय श्री राम। और कल फिर 3:30 बजे यहाँ मिलते हैं, तब तक के लिए एक अल्प विराम लेते हैं।